तीर्थ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं तीर्थ में जाएं, मानो वृंदावन ही जाएं और विचार हो चलो वृंदावन घूमने जाना। तो वृंदावन जब घूमने जाओगे ना तो खूब महल हवेली तो दिखेंगी, खूब कोठियां तो दिखेंगी, लेकिन बिहारी जी कहीं नजर नहीं आएंगे। वृंदावन में यदि जाकर तुम्हें बिहारी जी को देखना है तो उससे पहले, जाने से पहले अपने हृदय में श्रद्धा जगानी होगी। और जब श्रद्धा जाग जाए ना तो उसके साथ साथ विश्वास होना चाहिए। जहां हम जा रहे हैं वहां हमें भगवान का दर्शन अवश्य होगा, वरना जब श्रद्धा नहीं होती और विश्वास नहीं होता ना तो कभी कभी वहां से निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। बोलो राधे राधे। इसलिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए, जहां हम जा रहे हैं उस जगह के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बाद हमारा विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा विश्वास हो। जैसे हम दुनिया वालों पर विश्वास कर लेते हैं ना, ऐसे हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भगवान का विश्वास छूट जाए और दुनिया भगवान पर जो विश्वास करते हैं उनका विश्वास सदैव बना रहता है। और दुनिया तो बनावटी है, दुनिया है, दुनिया जो दो तरह की है वही तो दुनिया है। ये समय ऐसा है, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है और एक मुखी इंसान भी बहुत कम मिलता है। बोलो राधे राधे। तो पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, हम जहां जा रहे हैं उसके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। अक्रूर जी जब गए थे ना वृंदावन कृष्ण बलराम को लेकर, तो जैसे रथ से उतरे ना तो पहले ब्रज भूमि को प्रणाम किया। ऐसे ही जहां से ब्रज प्रारंभ हो जाए, जहां हम पैर रखें उस भूमि को, उस जगह को हमें प्रणाम करना। और अब संसार को भूल करके जब जा रहे हैं वहां पहुंच गए तो केवल प्रभु के हो जाना चाहिए, तब हमें जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। तीर्थों में जाओ, दर्शन करने के लिए जाओ, घूमने ना जाओ। घूमने जाओगे तो दुनिया तो देखेगी, भगवान कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए और फिर विश्वास होना चाहिए। और वहां जो संत ब्राह्मण जो वहां के रहने वाले हैं, जो मिलते हैं ना, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने तीर्थों में ऐसी जगह पर जिन्होंने जिनका जन्म हो चुका उनके जैसा भाग्यशाली संसार में कौन होगा। ब्रजवासियों के तो प्राण धन है ठाकुर जी, इसलिए ऐसे ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति वहां जाकर के हमारा भाव होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। और जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक उनसे कैसे जानोगे कि यहाँ दर्शन किसका करें, कहाँ जाएं और उस मंदिर की क्या महिमा है। वहां रहने वाले ही तो बता सकते हैं, वहां रहने वाले ही हमें बताएंगे कि इसका दर्शन करने से क्या पुण्य मिलता है और यहाँ इसकी पूजा क्यों होती है। नंदीश्वर महादेव आज भी पूजे जाते हैं वृंदावन, यहाँ ब्रज में ही वृंदावन में गोपेश्वर आज भी पूजे जाते हैं। आप दर्शन तो कराओगे लेकिन पता नहीं लगेगा क्यों दर्शन किया हमने, भोलेनाथ गोपी बनकर के यहाँ क्यों बैठे, वो कौन बताएगा। वो संत ब्राह्मण वहां के रहने वाले ही हमें बता सकते हैं। तो वहां जो रहते हैं उनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए।